सुनो 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 सुनो, जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के आदेश दिनांक 29/9/2022 के अनुक्रम में बाद संख्या 3183/22 सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश पारित हुआ है। NH-29 के किनारे गाटा संख्या 376/1 श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसको माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसकी कार्रवाई SDM महोदय, वहां के निरीक्षक महोदय आए हुए हैं, इंस्पेक्टर कोतवाली, की कार्रवाई कराई जा रही है। सर ये जो आज देखा जा रहा है, क्या कार्रवाई हुई है सर? ये 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के आदेश दिनांक 29/9/2022 के अनुक्रम में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हुई है। इनकी श्याम संजीवनी हॉस्पिटल और इससे संबंधित भूम जो है ये आराजी नंबर 376/1 NH-29 के किनारे है, जिसकी बाजारू मूल्य कीमत करीब 2.65 करोड़ के आसपास, जो नियमानुसार SDM सदर साहब है, इंस्पेक्टर कोतवाली साहब है, बाराबंकी से इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, वहाँ का जिलाधिकारी महोदय का आदेश लेके तो नियमानुसार इसकी कुर्की की कार्रवाई की गई। कौन थी ये डॉक्टर अलका राय? डॉक्टर अलका राय डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस के प्रकरण में इनके विरुद्ध मुख्तार अंसारी के साथ अभियोग पंजीकृत हुआ था। अब पहले से भिज्ञ भी हैं कि पंजाब में वो एम्बुलेंस पकड़ी गई थी, उसी के आधार पर क्रमशः वहाँ अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसी के संबंध में संदर्भ में गैंगस्टर के मुकदमा में अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसके पश्चात ये कार्रवाई हुई है। ठीक ठीक, थैंक यू। आपने मतलब एक ऑर्डर से जो सब भी आ रहे हैं पली कराना है इसको और फिर से जब आ रही बात चटवा जाए।